Good morning, children. Today we will learn about the chapter number 12, Force, Energy and Simple Machines. And in this chapter we will learn about the force, energy and simple machines. Okay, इस chapter में हम force के बारे में पढ़ेंगे, energy के बारे में पढ़ेंगे और simple machines के बारे में पढ़ेंगे. So now let's start introduction. देखिए इंट्रोडक्शन. ऑब्जेक्ट डू नॉट मूव ऑन देयर ओन. कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो अपना खुद से मूव नहीं होता है. ओके, अ पुश और अ पुल हैज़ टू बी अप्लाइड टू मूव ऑब्जेक्ट. किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए या तो हमें पुश करना पड़ता है या हमें पुल करना पड़ता है. पुश मीन्स आगे बढ़ाना, पुल मीन्स पीछे खींचना. ओके, द पुश और पुल अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे पुश या पुल करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड फोर्स, उसे हम फोर्स बोलते हैं. इफेक्ट ऑफ फोर्स, देखिए इफेक्ट क्या होता है. अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव्स ओनली व्हेन अ हॉर्स अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो भी होता है मूव होता है जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं, मीन्स ताकत लगाते हैं. दिस इज़ वन इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये हमारा इफेक्ट होता है. ओके, सम ऑफ द अदर इफेक्ट ऑफ फोर्स, कुछ ऐसे ही अदर इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि फर्स्ट नंबर, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट. हमें किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करना होता है तो क्या करते हैं. ओके, द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंज अनलेस फोर्स इज अप्लाइड टू इट. किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हो जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ अ फुटबॉल इज़ मूविंग इन वन डायरेक्शन, मान लीजिए फुटबॉल एक डायरेक्शन में जा रही है. ओके, सो इन ऑर्डर टू चेंज इट्स डायरेक्शन, तो आप उसकी डायरेक्शन क्या नहीं चेंज कर सकते हो जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाओगे. ओके, द फुटबॉल हैज़ टू बी किक द बॉल इन द अदर डायरेक्शन. जब हम फुटबॉल पे किक लगाते हैं दूसरे डायरेक्शन के लिए तब उसकी डायरेक्शन चेंज होती है. द किक गिवन टू द बॉल इज द अप्लाइड फोर्स. जो हमारी किक होती है वो उस बॉल पर एक तरह का फोर्स अप्लाई किया जाता है तब उसकी डायरेक्शन हमारी चेंज होती है. फोर्स इज दस नीडेड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट. इस तरह से हम कह सकते हैं कि फोर्स जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए. सेकेंड नंबर, टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकना. ओके, अ मूविंग ऑब्जेक्ट विल नॉट स्टॉप अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट. कोई भी चलता हुआ ऑब्जेक्ट हम नहीं रोक सकते हैं जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते हैं. अ कार मूविंग ऑन द रोड डज नॉट स्टॉप ऑन इट्स ओन एट अ सिग्नल. एक कार जो चलती रहती है रोड पर वो स्टॉप पे नहीं रुकती है, अपने जब सिग्नल आता है तो अपने हिसाब अपने खुद से नहीं रुकती है. ब्रेक्स हैव टू अप्लाई टू स्टॉप द कार एट द सिग्नल. जब सिग्नल आते हैं तो हमें उस पर ब्रेक लगाने पड़ते हैं. ओके, कार पे ब्रेक अप्लाई करने पड़ते हैं तब हमारी कार रुकती है. अ फोर्स इज दस अप्लाइड विच स्टॉप्स द कार फ्रॉम मूविंग फर्दर. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पर भी एक फोर्स लगता है कार के ऊपर जो उस चलती हुई कार को रोकता है. ओके, थर्ड नंबर इज टू चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करना. द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इंक्रीज एंड और डिक्रीज व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट. किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की आप जो स्पीड है वो आप घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो अगर आप किसी फोर्स को उस पर अप्लाई करते हो. वाइल साइकिलिंग ऑन द रोड एट अ पर्टिकुलर स्पीड द स्पीड ऑफ ए साइकिल कैन बी इंक्रीज्ड बाय अप्लाइंग मोर फोर्स ऑन द पैडल्स एंड कैन बी डिक्रीज्ड बाय रिड्यूसिंग द फोर्स ऑफ द पैडल्स. आप किसी भी साइकिल की स्पीड को बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो. अगर आप उसके पैडल पर ज़्यादा फोर्स लगाते हो तो उसकी जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है, और अगर उसके पैडल्स में ज़्यादा फोर्स नहीं लगाते हो तो उसकी स्पीड जो होती है वो घट जाती है. ओके, फोर्थ नंबर, टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप को चेंज करना. अ फोर्स
कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक जो फोर्स होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई स्प्रिंग इट स्ट्रेच्ड और पुल्ड, इट्स शेप चेंजेस. अगर आप किसी भी स्प्रिंग को खींचते हो या छोड़ते हो तो उसका जो शेप होता है वो चेंज होता है. अ फोर्स इज दस नीडेड टू मूव एन ऑब्जेक्ट, इस तरह से एक ऑब्जेक्ट को चेंज करने में, उसका शेप चेंज करने में फोर्स की ज़रूरत पड़ती है. चेंज डायरेक्शन ऑफ अ स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, स्टॉप द ऑब्जेक्ट इन मोशन एंड चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. इस तरह से हम कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए, किसी की स्पीड रोकने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए और किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करने के लिए हमें फोर्स की आवश्यकता पड़ती है. ओके, नाउ दिस चैप्टर हैज़ फिनिश्ड. नेक्स्ट पीरियड आई विल कंटिन्यू टू इट. एंड टुडेज योर होमवर्क इज़ रीड, वॉच द वीडियो एंड रीड द चैप्टर.